हेलो नमस्कार, आपके अपने चैनल के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको अपने माइक के रस्ते में थोड़े तो मैं पहुंच गई थी अपने मायके में कल लगभग 4-5 बजे। तो बारिश थी, मैं कुछ मतलब वीडियो बना नहीं सकी। और तो मैं अभी चलते चलते ना सवेरे, अभी 6 बजे का टाइम है, 6 भी नहीं बजे होने अभी तो। और बारिश बहुत ज़्यादा बारिश लगी हुई है। तो ये देखो, मैं अपने मम्मी पापा का घर बता दूँ आपको कि ये मेरी मम्मी पापा का घर है। तो देखो, और ये यहाँ ना बनाया हुआ है डॉगी का घर, इनका डॉगी ने पाला हुआ। तो आपको मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे ना मतलब मम्मी पापा दोनों एक्सपायर हो चुके, और हमारे भाई नहीं है, तो छोटी बहन है मेरी, ये यहीं रहती है, मतलब दाडला जॉब करती है, और तब यहाँ इस घर की वाच करती है। और ये देखो, ये ना काउस हेड है। जब मेरी मम्मी पापा मतलब होते थे ना, तो यहाँ मैं तो बोलती हूँ बहुत बड़ी बड़ी भैंसे पाल रखते थे, 2-3 भैंसे। तो ये देखो, ये है मतलब हमारे घर के नीचे गांव, मतलब हमारे ही परिवार के है, मेरे चाचे ताए तो उनका घर है। तो ये देखो, कुछ घर पुराने भी इनमें तो बहुत सुंदर लगते। देखो, चक्के वाले घर ऐसे होते थे पहले। तो यहाँ से मैं व्यू आपको थोड़ा थोड़ा बता दूँ। वहाँ ये देखो, घर ऐसे घर हुआ करते थे पहले, बहुत सुंदर घर। और अपने टाइम में ना बहुत बड़ा घर था है हमारा, मगर अब रीति रिवाज बदलते जा रहे हैं, और मतलब पुरानी चीज़ें ना, बस पुराने चीज़ों को लोग ना बस ऐसे समझते हैं कि ये कुछ नहीं है। और नए आजकल तो घर मगर इंसान के दिल भी बदल गए, इंसान भी बदल चुके हैं। तो घर और फैशन तो क्यों नहीं बदलने, मगर फिर भी बहुत सुंदर लगते थे पुराने घर। तो ये देखो, और ये रहा इनका, ये इन्होंने नया बनाया हुआ ना अब, ये यहाँ लेटरिन बाथरूम है इधर। और मैं आपको बताऊँ ना, तो पहले के टाइम में ऐसे मतलब आंगन के चारों तरफ ना बैठने को बनाते थे, क्योंकि कुर्सियाँ तो होती नहीं थी पहले, बहुत कम कुर्सी होती थी। तो ऐसे चारों तरफ बनाते थे मतलब बैठने को। और ये देखो, ऐसे स्पील बोलते थे इसको। और ये है जी तुलसी चौरा, मतलब तुलसी लगाते थे ना, तो ऐसा बनाया हुआ था मेरी मम्मा ने। और एक देखो, ये कुर्सी देख रहे ना, इसके साथ ये हमारे 12 महीने बाहर ही रहती है, बस इतनी पक्की है ना, लोहे की है। और ये देखो, इसमें तुलसी लगाई हुई है। देखो, ऐसा डिज़ाइन होता था पहले, मगर मैं बोलती हूँ ना, इंसान के साथ सब कुछ चला जाता है। इतना सुंदर था ना, चारों तरफ बगीचा लगाया हुआ था मेरे मम्मी पापा ने ना, और बहुत सुंदर सब कुछ था। मगर बोलते हैं ना, वक्त बहुत बड़ा है, बस मैं तो इतना बोलती हूँ कि समय ना। तो ये देखो, ये है जी इनका कैरी, ये मेरी बहन जी ने ना कैरी पाला हुआ जी डॉगी, और अब इसको पता लग रहा है कि ये जा रहे हैं अब गेस्ट, और बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि बहुत बारिश है, अंदर ही है मतलब रखा हुआ है। तो अब ना, और ये रही जी हमारे मम्मा की रसोई। तो ऐसा ग्रुप पहले ऐसी रसोई हुआ करती थी। तो ये देखो, ये देखो कितना,
तो अब मैं जा रही हूँ अपने घर को और कैरी मेरे को छोड़ने आ रहा है जी, देखो, और बड़ा एक्साइटेड हो गया है कि मैं भी जा रहा हूँ इनको छोड़ने। तो अब मैं अपने घर से वहाँ से चल पड़ी है सवेरे, क्योंकि मेरे को काऊ मिल्किंग करनी है अपने घर में। और छोटा बेटा मेरा चले गया है शादी को, क्योंकि वो फोटोग्राफी एडिटर है ना, तो वो रामपुर में शादी को चला गया है, इसलिए मेरे को घर पहुँचना पड़ेगा। यहाँ देख रहे हो ना आप, यहाँ है जी पिप्पल, ये देखो पिप्पल का शादी करी हुई है। वैसे बड़ के साथ भी करते हैं पर, मगर यहाँ पर सुइनो है ना, सुइनो उसके साथ करी हुई है। और ये देखो जी, ये है जी छोड़ने जा रहा है तू कैरी हमारे को रास्ता। ओ कैरी, तो अब देखो ये कैरी मेरे को छोड़ने ना दौड़ा हुआ, देखो सुना बंदा। और मैं अब देखती हूँ, या तो पैदल ही चल जाऊंगी, और लगभग यहाँ से 3-4 किलोमीटर है वैसे पिपड़ू घाट, या दाड़ला भी 3-4 किलोमीटर। देखती हूँ मैं, अगर मिल गया तो मैं कुछ चल जाऊंगी, वरना मैं पैदल ही बस तक पहुँचूँगी। तो ये देखो बहन जी भी जा रहे हैं जी मेरे को छोड़ने, और कैरी दोनों जा रहे हैं जाते दूध वाले। और सवेरे ही ना मैंने इनको दुड़वा दिया, मैंने चलो चलो अब मैं तो जा रही हूँ। तो ये देखो कैरी ना, यहाँ यहाँ बाघ आता है बोलते हैं, तो इसकी स्मेल कर रहा है। और ये है जी मेरे मायके वालों का मंदिर, तारा वाला का मंदिर, बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है, बहुत प्यारा। और देखो मतलब बहुत ऊंची, जैसे भगवान जी ऊंचे पहाड़ पर रहते ना, वैसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर बनाया हुआ है। तो ये देखो इसको भी बनाया हुआ लगभग 2-1 साल हो गए, अब भी बना हुआ है मंदिर बहुत। तो ये मैं व्यू भी बता दूँ आपको अपने मायके का। तो ये देखो वहाँ आप देख रहे हो ना, यहाँ बाड़ी धारे, और यहाँ ना मेरी मम्मा ने महिला मंडल भवन बनाया था, क्योंकि मेरी मम्मी महिला मंडल की प्रधान थे ना, तो उन्होंने उस टाइम बनाया था बहुत साल पहले, मैं 40 साल पहले की बात है या उससे भी ज़्यादा होगी। तो मैं तो बोलती हूँ कि देखो इंसान चले जाते हैं और उनकी यादें ना रह जाती है, और अच्छे और बुरे कर्म जो आदमी के ना,